हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज पे। दोस्तों आज मैं आपको Redmi Note 6 Pro के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप इस फोन को जो है बड़े आराम से यूज कर पाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप सभी फीचर बताए हैं, तो आप जो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस फोन में जो आपको MIUI 10 देखने को मिल जाता है और MIUI 10 में जो आपको काफी नए नए फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। अगर आप इसके रियर कैमरा से कोई भी पोर्ट्रेट इमेज वगैरह कैप्चर किए हुए हैं तो आप बैकग्राउंड ब्लर को बड़े आराम से गैलरी में जाकर चेंज कर सकते हैं, साथ साथ और भी बहुत सारे इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गैलरी में और आप कैसे समझिएगा वो पोर्ट्रेट इमेज है या नहीं है। तो पोर्ट्रेट इमेज में आपको कुछ इस तरीके का सर्कल आइकॉन दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर एक और सर्कल आइकॉन दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसे सिलेक्ट कीजिएगा तो नीचे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला जो है ब्लर, दूसरा जो है लाइट, तीसरा जो है स्टूडियो। तो आप यहां पर जो ब्लर को ज्यादा कम कर सकते हैं, यहां से जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ज्यादा कम हो रहा है ब्लर। और यहां पर लाइट का ऑप्शन है, लाइट का ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहां पर आप बैकग्राउंड लाइट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं एक, तो यहां पर देखिए बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से जो आपको बैकग्राउंड चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। तीसरा जो है स्टूडियो है, स्टूडियो बेसिकली जो है यहां पर किसी भी अनह्यूमन ऑब्जेक्ट पे जो है काम नहीं करता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये सिर्फ ह्यूमन ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो मैं यहाँ पर बैक हो जाता हूँ और जाता हूँ ह्यूमन ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर मैंने ह्यूमन ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लिया है और यहाँ पर जो है मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ और आ जाता हूँ स्टूडियो लाइट पे। तो यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन ऑब्जेक्ट पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और इससे जो आपका फोटो जो है काफ़ी बढ़िया लगता है। और आप जो है इस तरीके से इंस्टाग्राम में डालिएगा तो आपके फ्रेंड जो है काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट करेंगे और आपका जो है इमेज काफ़ी लाइक करेंगे। तो काफी बढ़िया जो इफेक्ट दिया है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो काफी बढ़िया जो है फीचर आपको MIUI 10 में ये वाला देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये भी आपको गैलरी के ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। अगर आप जो है कोई भी इमेज वगैरह क्लिक किए हुए हैं वहां पर अन ऑब्जेक्ट चीज आ जाता है, जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने ये इमेज कैप्चर किया हुआ है और यहाँ पर ईयरफोन आ चुका है। तो आपको जो है यहाँ पर नीचे एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और सबसे लास्ट में आपको आना है इरिस का ऑप्शन पे, इरिस के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको ईयरफोन को जो है इरिस कर देना है कुछ इस तरीके से। और जैसे आप ईयरफोन को इरिस कीजिएगा तो यहाँ पर आपका ईयरफोन जो है गायब हो जाएगा और आपका इमेज क्लियर हो जाएगा। आपको सेव करने के लिए नीचे जो है टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और आपका इमेज जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेव का ऑप्शन है, सेव कीजिएगा और यहाँ पर जो है आपका इमेज जो है सेव हो जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये भी आपको गैलरी के ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पर जो है इमेज को कोलेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर जो है एल्बम वगैरह से ले सकते हैं और कुछ इस तरीके से जो है आपका इमेज कोलेज दिखेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इमेज कोलेज हो चुका है और आपको इसके लिए जो है अलग से एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे ये जो है फीचर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर एक और फीचर आपको देखने को मिलता है जो कि है फ्री स्पेस का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्री स्पेस लिखा हुआ है, आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कौन सा इमेज जो आपको डुप्लीकेट दिखने को मिलता है। तो इसने जो है मेरे थ्री स्क्रीनशॉट को जो है डिटेक्ट कर लिया है, ये सारे के सारे डुप्लीकेट है और यहाँ से मैं जो है डायरेक्टली क्लियर कर सकता हूँ उन सारे डुप्लीकेट फोटो को, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर मुझे लगा, जिससे जो है आपका मेमोरी कहीं ना कहीं क्लीन रहेगा। आपके व्हाट्सएप वगैरह में काफ़ी सारे जो है डुप्लीकेट फोटो वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरीके से आप जो है अपने इमेज वगैरह को क्लीन कीजिएगा तो आपका मेमोरी भी जो है काफ़ी सेव होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फोन में जो आप अपने वाईफाई के डेटा को हॉटस्पॉट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सभी जो है एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने फ़ोन को जो है रजिस्टर कराते हैं वहाँ के लोकल वाईफाई जो फ्री वाईफाई होता है। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है, एक नंबर पे आपको एक पासवर्ड दिया जाता है और एक पासवर्ड के जरिए आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने लैपटॉप कीजिए या फिर अपने फ़ोन को कीजिए। तो आप फ़ोन को कर लेते हैं, बेसिकली आपका जो है फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट कभी कभार जो है लैपटॉप में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका ज़रूरत पड़ जाता है और किसी को सेंड करना रहता है, तो इस फोन में जो आपको वाईफाई हॉटस्पॉट दोनों एक साथ करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप वाईफाई को एनेबल करके हॉटस्पॉट को भी एनेबल कर सकते हैं
और यहाँ पर अपने लैपटॉप को भी जो है नेट दे सकते हैं। तो ये काफी कमाल का फीचर जो है इस फोन में दिया गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर आप इस फोन में जो है इमेज वीडियोस वगैरह को हाइड करना चाहते हैं या फिर फाइल वगैरह को हाइड करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, जो कि इस फोन में हाइड है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एमआई अकाउंट में जो है लॉगिंग होना पड़ेगा। लॉगिंग होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है फाइल मैनेजर पे, उसके बाद आपको जो है स्वाइप डाउन करना है। जैसे आप स्वाइप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर पासवर्ड वॉज अपग्रेडेड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड जेनरेट कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जी रखता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन हो जाना है अपने मी अकाउंट में। जैसे आप साइन इन हो जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पर जो है गैलरी के किसी भी फोटोज या फिर वीडियोज को हाइड कर सकते हैं। आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जो है थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है हाइड का ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो ओके कीजिएगा तो इमेज जो है हाइड हो जाएगा आपके प्राइवेसी प्रोटेक्शन में। उसके बाद आपको जब भी इमेज देखना है तो आप यहाँ पर जो है आइएगा फाइल मैनेजर पे। आने के बाद आपको इसको स्वाइप डाउन करना है, स्वाइप डाउन करने के बाद आप अपना पासवर्ड वगैरह दीजिएगा, उसके बाद आप जो है बड़े आराम से जो है उस हाइड फाइल या फिर फोटोज या फिर वीडियोज वगैरह को देख पाएगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर है जो कि हाइड किया गया है। और अगर आपको जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का जो है पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, आकर आपको जो है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे आना है और यहाँ पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप जो है चेंज कर सकते हैं इसके पासवर्ड को। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फोन में जो आपको कॉल से रिलेटेड काफी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। इन्हें इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डायलर पैड पे और आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो कॉल सेटिंग जो ओपन हो जाता है, आप यहां पर कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑटो रिकॉर्डर को ऑफ कर सकते हैं। साथ साथ आप यहां पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क को जो है चेंज कर सकते हैं, यहां पर आप जो है 4G वैलिडिटी वगैरह को इनेबल कर सकते हैं। यहां पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पे आएगा तो यहां पर आपको काफी सारे इनकमिंग कॉल से रिलेटेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले जो है फ्लिप टू साइलेंट रिंग का, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो कोई कॉल वगैरह आता है तो आप सिंपली अपने फोन को फ्लिप करके साइलेंट कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। दूसरा जो है क्वाइट विन लिफ्ट, तो अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आपका कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है, आप फोन को जैसे ही लिफ्ट कीजिएगा तो आपका जो कॉल है वो साइलेंट हो जाएगा, यानी कि रिंग साइलेंट हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। तीसरा जो है इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम का, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आपका रिंगटोन जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा, काफी ज्यादा लाउड हो जाएगा। चौथा जो है फ्लैश विद रिंग का, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो आपका फ्लैश लाइट भी जो है ब्लिंक करेगा रिंगटोन के साथ साथ। पांचवा है जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कि इनेबल रहता है। छह नंबर जो है म्यूट फर्स्ट रिंगटोन, तो ये जो है अननोन नंबर से अगर कोई भी कॉल वगैरह आता है, जो नंबर आपने सेव नहीं करके रखा है तो उसका फर्स्ट जो कॉल रहेगा वो म्यूट रहेगा, आपको सुनाई नहीं देगा, और जो सेकेंड कॉल रहेगा वो जो है आपको सुनाई देगा। तो इसे भी चाहे तो आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है इनकमिंग कॉल से रिलेटेड। साथ साथ आप यहां पर जो है किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ब्लॉक लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप सिम के नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं, कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं, वो सभी नंबर आप ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। ऑटो आंसर का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो यहां पर ऑटो आंसर को भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो आपको कॉल सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। इस फोन में जो आपको और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, इन सभी फीचर को अगर आपको इनेबल करना है तो आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इन्हीं सभी ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ फीचर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वह डिस्प्ले का ऑप्शन पे आएगा तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन मिल जाता है, रीडिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है, रीडिंग मोड का ऑप्शन पे आएगा तो ये काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप इसे इनेबल करते हैं और इसे इनेबल करके आप अपने फोन को अंधेरे में यूज करते हैं तो आपकी आंखों को जलन या चुभन नहीं होगा, जिससे आपकी आंखें सेफ रहेगा। और साथ साथ यहाँ पर आप जो है शेड्यूल को भी लगा सकते हैं, कितने बजे जो है रीडिंग मोड को इनेबल होना है, ऑटोमेटिकली ये इनेबल हो जाएगा, और कितने बजे ऑफ होना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो काफी बढ़िया ये फीचर दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है कॉन्ट्रास्ट कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से जो है कॉन्ट्रास्ट यानी कि अपने स्क्रीन के कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलती वगैरह हो जाता है तो डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट साइज को भी जो इंक्रीज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको टेक्स्ट वगैरह देखने में जो है प्रॉब्लम हो रहा है छोटा बड़ा, तो यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है।
यहाँ पर आपको डबल टैप स्क्रीन वेकअप के ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे इनेबल करते हैं और आपका फोन लॉक है, आप डबल टैप कीजिएगा तो आपका स्क्रीन वेकअप हो जाएगा, आप टाइम वगैरह जो है देख सकते हैं। या फिर फेस अनलॉक अगर आपने लगाया होगा तो आप जो है फेस देकर अपना फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ऑटो रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यही कुछ फीचर जो है आपको डिस्प्ले के ऑप्शन में देखने को मिलता है। दूसरा जो ऑप्शन है वह वॉलपेपर। वॉलपेपर में आएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे वॉलपेपर देखने मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन में लगा सकते हैं। तीसरा जो है वह थीम्स का। थीम्स में आएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे थीम देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने फोन में लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट उससे पहले आपको MI अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जो आप थीम को अप्लाई कर सकते हैं अपने फोन में। और यहाँ पर आपको अलग से जो है थीम एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थीम एप्लीकेशन में आएगा तो यहाँ पर काफी सारे थीम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा थीम अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर MI अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर फोन नंबर से जो है रजिस्टर कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप जो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वॉलपेपर वगैरह भी जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिंगटोन का भी ऑप्शन मिल जाता है, काफी सारे रिंगटोन दिए गए हैं। साथ साथ यहाँ पर आप अपने फ्रंट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। Xiaomi का यही चीज जो है मुझे काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री फ्रंट स्टाइल दिए जाते हैं जिन्हें जो आपको डाउनलोड करना है और अपने फ्रंट स्टाइल को चेंज करना है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, MI अकाउंट में जो है लॉग इन होना पड़ेगा। और यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपने जितने भी थीम वॉलपेपर या फिर फ्रंट स्टाइल वगैरह डाउनलोड किया होगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। चौथा जो ऑप्शन है वह साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पर आकर आप जो है रिंगटोन वगैरह को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायलर पैड के टोन को ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक साउंड को ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट साउंड को ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आप साउंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट यहाँ पर आकर कर सकते हैं। पांचवा जो ऑप्शन है वह लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड का। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप काफी सारे जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड से रिलेटेड। जैसे कि फिंगरप्रिंट को आपको लगाना है तो यहाँ पर मैनेज फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह दे दीजिएगा अगर आपने देकर रखा होगा, अगर नहीं देकर रखा होगा तो यहाँ पर रजिस्टर करने को बोलेगा, कंफर्म करने को बोलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं। मेरा जो है फिंगरप्रिंट ऐड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टोटल 5 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ पर फिर से पासवर्ड दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट को जो है ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं जो है फिंगरप्रिंट को ऐड कर रहा हूँ और ये काफी फास्ट जो है फिंगरप्रिंट को रीड कर लेता है। और मैंने यहाँ पर जो है और एक फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया है। आप यहाँ पर जो प्राइवेसी पासवर्ड या फिर ऐप लॉक को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे ऐप लॉक और प्राइवेसी पासवर्ड आपके फिंगरप्रिंट के जरिए भी ओपन हो सकेगा, जो कि काफी बढ़िया मेथड है। और यहाँ पर पेमेंट को भी जो है आप फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया फीचर इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फेस डेटा यानी कि फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर फेस डेटा पे आइएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको पासवर्ड दे देना है और यहाँ पर आप फेस अपना रजिस्टर करवा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर फेस को रजिस्टर करवा कर रखा है। ये जो एक ही फेस रजिस्टर करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिलीट फेस डेटा का ऑप्शन दिया गया है, जिससे जो आप फेस के जरिए अपने फोन को अनलॉक कर पाइएगा। यहाँ पर जो आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है वह सेट स्क्रीन लॉक का। तो यहाँ पर आप जो है पासवर्ड वगैरह को चेंज कर सकते हैं, आप अपने पासवर्ड दे दीजिएगा या फिर ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वाइब्रेशन को ऑफ कर सकते हैं पैटर्न के। तो ये सारे ऑप्शन आपको सेट स्क्रीन लॉक पे देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन करके रखे हैं तो यहाँ पर आकर आप जो है पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन का। मैंने जो है अभी देकर नहीं रखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर वॉलपेपर कंसोल का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली आप अपने लॉक स्क्रीन के अगर वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं हमेशा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉक है और यहाँ पर एक ही वॉलपेपर दिखा रहा है, तो आप सिंपली इसे इनेबल कर दीजिएगा। इसे इनेबल के बाद ना आप यहाँ पर जो ऑटो या फिर 15 मिनट या फिर एवरी आवर का ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसे लॉक कीजिएगा यहाँ पर आपका जो है इमेज चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो है स्लीप टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना मिनट रखना है। और आपको यहाँ पर जो है कुछ वॉक वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम बटन की मदद से जो है लॉन्च कर सकते हैं कैमरा को। एडवांस का ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप जो है नोटिफिकेशन वगैरह को जो है शो कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन में या फिर ऑफ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन ओन इन्फॉर्मेशन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन में अपना कुछ इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, जिससे अगर बाय चांस आपके साथ कुछ हो जाए तो आपका फोन देखकर जो है कोई भी आपके परिवार वालों को जो है खबर दे सके। तो ओन इन्फॉर्मेशन काफी जरूरी होता है, जो कि इस डिवाइस में दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। अनलॉक ब्लूटूथ डिवाइस का भी ऑप्शन दिया गया है, स्मार्ट कवर मोड का भी दिया गया है और यहाँ पर पॉकेट मोड का ऑप्शन दिया गया, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं आपका फोन मान लीजिए पॉकेट में, तो आपका फोन जो है कोई भी यूज नहीं हो पाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपका फोन पॉकेट है, बेसिकली ये जो है सेंसर की मदद से होता है, जो सेंसर है वो ढका हुआ रहता है, जिस वजह से आपका ऐसे जो है टच करने पर फोन टच होता है, बट जैसे ही मैं सेंसर को ढक देता हूँ तो देखिए यहाँ पर टच नहीं हो रहा है। तो पॉकेट मोड काफी यूजफुल जो है यहाँ पर फीचर दिया गया है।
छह नंबर ऑप्शन की बात करें वह नोटिशन एंड स्टेटस बार, यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप नोटिशन एंड स्टेटस बार से रिलेटेड काफी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वह ऐप है नोटिशन का। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के नोटिशन को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप ऑफ कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपके यहाँ पर शो नोटिशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो एप्लीकेशन से जो भी नोटिशन वगैरह आता है वो आपको शो नहीं होगा। आप यहां पर जो ऐप आइकॉन बैजेस को भी ऑफ कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के अगर आपको बैच नहीं चाहिए, जो छोटा सा डॉट दिख जाता है नोटिफिकेशन आने के बाद एप्लीकेशन पे, तो आप इसे भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको काफी बढ़िया देगा, आप चाहते इसे इनेबल कर सकते हैं। दूसरा जो आपको दिया जाता है वह शो कनेक्शन स्पीड का। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप जो है अपने कनेक्शन स्पीड को जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो है कनेक्शन स्पीड शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कनेक्शन स्पीड शो हो रहा है, और आपका जितना भी कनेक्शन स्पीड रहेगा वो सभी के सभी आपके यहाँ पर जो है दिखा दिया जाएगा। तो आप शो कनेक्शन स्पीड को भी एनेबल कर सकते हैं। यहाँ का कैरियर नेम का भी ऑप्शन दिया गया, आप लॉक स्क्रीन में अगर कैरियर नेम को देखना चाहते हैं तो इसे एनेबल करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो कैरियर नेम को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सिम वन सिम टू के नाम को अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप यहाँ पर बैटरी परसेंटेज जो है नहीं देख पा रहे होंगे, अगर आपको इसे एनेबल करना है तो आपके यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो है बैटरी को जो है एनेबल कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आकर आप जो है बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है जो कि कोलैप्स आफ्टर टच का। अगर आप इसे एनेबल करते हैं, मान लीजिए एनेबल नहीं है, आप वाईफाई ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, जैसे कि मैंने ऑफ किया ऑन किया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा जो नोटिफिकेशन बार है वो जो है एक जगह पर टिका हुआ है। जैसे मैं इसे एनेबल करता हूँ, अब मैं यहाँ पर वाईफाई को ऑफ करता हूँ तो देखिए नोटिफिकेशन बार ऑटोमेटिकली हट जाता है। यहाँ पर ऑन करता हूँ ऑटोमेटिकली हट जाता है, मुझे जो है खुद से हटाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये काफी बढ़िया फीचर दिया गया है। आई होप आप में से काफी कम लोगों को ये फीचर पता होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टेटस शॉर्टकट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर जो शॉर्टकट को भी कर सकते हैं सर्च वगैरह का। सातवां जो ऑप्शन है वह होम स्क्रीन एंड रिसेंट, यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने होम स्क्रीन से रिलेटेड काफी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको होम स्क्रीन से रिलेटेड कस्टमाइजेशन करना है तो आप अपने होम स्क्रीन पे भी रहकर जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियर कैसे वगैरह कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है स्कोर वगैरह देख सकते हैं, कितना जो है क्या हुआ है शेयर मार्केट में, साथ साथ ओला कैब को बुक कर सकते हैं, क्रिकेट के स्कोर को देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको होम स्क्रीन में देखने को मिलते हैं। और अगर आप डबल फिंगर स्वाइप करते हैं तो नीचे आपको वॉलपेपर विजिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है एप्लीकेशन के विजिट्स को अपने होम स्क्रीन में लगा सकते हैं, जिससे जो है किसी भी एप्लीकेशन के शॉर्टकट का मजा आप जो है जल्दी उठा सकेंगे। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप जो है ट्रांसलेशन इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। काफी सारे इफेक्ट दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद है उसे जो है आप अपने होम स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेट डिफॉल्ट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, आप जो है किसी भी पेज को अपने डिफॉल्ट होम स्क्रीन में सेट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। साथ साथ यहाँ पर फील एम्प्टी सेल्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि एनेबल रहता है। कोई भी एम्प्टी सेल्स वगैरह होता है तो ये ऑटोमेटिकली फील कर देता है अगर प्ले स्टोर से आप कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो। यहाँ पर आपको जो है लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं जो है किसी भी एप्लीकेशन को कहीं पर भी मूव कर पा रहा हूँ बड़ी इजी से। अगर मैं लॉक होम स्क्रीन लेआउट को एनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए सारे जो है एप्लीकेशन लॉक हो चुके हैं, ना मैं इन्हें अनइंस्टॉल कर पाऊंगा ना ही मैं इन्हें कहीं पर मूव कर पाऊंगा। तो ये बेसिकली जो है इस चीज का काम करता है। मोर के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर आप जो है डिफॉल्ट लॉन्चर को सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट लॉन्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है रैम शो हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका रैम कितना जो है बचा हुआ है वो सभी को शो हो जाता है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है रैम शो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप इसे इनेबल करके जो है अपने रैम को चेक कर सकते हैं आपका रैम जो है कितना बचा हुआ है। आठवां जो ऑप्शन है वह है फुल स्क्रीन डिस्प्ले का। यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहले जो है हाइड नॉच का फीचर मिल जाता है। आपको अगर नॉच डिस्प्ले पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर नॉच को हाइड कर सकते हैं और आपका नॉच जो है हाइड हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये भी काफी बढ़िया फीचर है। साथ साथ यहाँ पर आपको जो है फुल स्क्रीन जेसस का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर आपको नेविगेशन बार पसंद नहीं है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर लर्न का ऑप्शन मिल जाता है, आप जो है लर्न कर सकते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पर लर्न के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, इस तरीके से जो है आप करना है तो आप होम में आ जाइएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से अप करके प्रेस एंड होल्ड करके रखना है तो रिसेंट टैब आपका आ जाएगा। बैक करने के लिए लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं या फिर जो है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, स्वाइप आपका जो है बैक हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो है सीख चुके हैं फुल स्क्रीन मोड को और अब जो है आप फुल स्क्रीन मोड को बड़े आराम से यूज कर पाएगा। तो आप चाहें तो फुल स्क्रीन मोड को एनेबल कर सकते हैं यहाँ से। साथ साथ आपको यहाँ पर मिरर बटन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप नेविगेशन बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो इसे जो है ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं नेविगेशन बार जो है लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट हो जाता है।
साथ साथ आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन मिल जाता है। ये फोन जो है 19:9 का है, तो यहाँ पर काफी सारे ऐप ऐसे होते हैं जो कि 19:9 को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर जो है उन ऐप को परमिशन दे देते हैं तो वो ऐप जो है इसके फुल स्क्रीन को जो है सपोर्ट करेगा, यानी कि 19:9 पर जो है चलेगा। 9 नंबर ऑप्शन की बात करें वह है सेकंड स्पेस। आप अगर एक फोन में दो फोन का मजा उठाना चाहते हैं तो आप सेकंड स्पेस पे आएगा, आने के बाद आप यहां पर जो है सेकंड स्पेस को एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे आपके एक ही फोन में जो है दो अलग अलग स्पेस क्रिएट हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दो अलग अलग स्पेस क्रिएट हो जाता है। एक डिवाइस में आप दो डिवाइस का मजा उठा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 space 1 device। आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपको कंटिन्यू करने को बोलेगा, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर यूजिंग अ शॉर्टकट करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है कन्फर्म पासवर्ड बोलेगा, आपके फर्स्ट पेज का जो है पासवर्ड देने को बोलेगा, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट पेज का पासवर्ड दे दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड स्पेस का पासवर्ड देने को बोलेगा, तो आप यहाँ पर सेकंड स्पेस का पासवर्ड जो है ड्रॉ कर लीजिए। एक बार ड्रॉ करने के बाद आपको दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपका जो सेकंड स्पेस है उसमें जो है फिंगरप्रिंट को ऐड करने को बोल रहा है, तो अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। जैसे आप स्किप कीजिएगा या फिर फिंगरप्रिंट को ऐड कीजिएगा तो आपका सेकंड स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं मेरा ये सेकंड स्पेस क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जो है काफी कम एप्लीकेशन है, बट ये जो है आपका बिल्कुल ही अलग स्पेस है। अगर आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो आपके फर्स्ट स्पेस में जो है डाउनलोड नहीं होगा, ये सेकंड स्पेस पे होगा। और यहाँ पर जो है आपका कोई भी पुराना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आएगा, कोई भी पुराना एप्लीकेशन वगैरह नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर जो है बड़े आराम से सेकंड स्पेस का जो है मजा उठा सकते हैं अपने एक ही फोन में। स्विच करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो है फर्स्ट स्पेस आ जाएगा। आप अपना पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट दे दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे दूंगा और यहाँ पर जो है स्विच हो जाता है। अगर आपको डिलीट करना है तो सेकंड स्पेस पे आएगा और ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको डिलीट करना है और आपका सेकंड स्पेस डिलीट हो जाएगा। तो सेकंड स्पेस का जो फीचर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। मैं जो अपने एक फोन में दो जो है स्पेस करके रखता हूँ, एक जो है यूट्यूब पर्पस के लिए और एक जो है पर्सनल स्पेस के लिए। 10, 11, 12 इन तीनों ऑप्शन में जो आपको कुछ खास फीचर देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहला है बैटरी। बैटरी के ऑप्शन में आपको बैटरी से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कितना आपका बैटरी बचा हुआ है, यूजर्स टाइम, टेम्परेचर, बैटरी, बैटरी सेवर आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बैटरी सेवर का टाइम लगा सकते हैं, कितने बजे ऑन होना है, कितने बजे जो ऑफ होना है। शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी यूजेस वगैरह चेक कर सकते हैं, आपका कौन सा एप्लीकेशन जो है कितना बैटरी यूज किया है। यहाँ पर जो हार्डवेयर का भी जो ऑप्शन दिया गया है, साथ साथ आपको यहाँ पर ऐप बैटरी पावर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो है बैटरी सेवर को एनेबल कर सकते हैं। अगर आप उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन पे जो है काम करने लगेगा। और यहाँ पर चूज ऐप का भी ऑप्शन है, यही जो है बैटरी ऐप सेवर का ऑप्शन है। अगर किसी भी एप्लीकेशन में आप बैटरी सेवर को एनेबल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। स्टोरेज के ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पर आप जो है स्टोरेज से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, कितना पिक्चर आपका स्टोरेज लिया हुआ है, कितना ऑडियो वगैरह लिया हुआ है। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको क्लीनर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आएगा तो यहाँ पर आपको क्लीनर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है पूरा पूरी क्लीन कर देगा आपके जो है जितने भी एक्स्ट्रा मेमोरी वगैरह आपका फोन यूज किया होगा। और यहाँ पर आप जो है डीप क्लीन कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर आप यहाँ पर जो है डुप्लीकेट फोटोज वगैरह को जो है क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट्सएप के डुप्लीकेट फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया जो है आपको स्टोरेज का ऑप्शन में फीचर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो है वह गूगल का ऑप्शन पेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ खास फीचर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि फीचर ही नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो है जस्ट गूगल की इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए दिया गया है, वही सारे जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कुछ खास फीचर नहीं है जिनका आप इस्तेमाल कर पाए। 13 नंबर ऑप्शन की बात करें वह एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आपको काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है क्विक बॉल का फीचर है, क्विक बॉल के ऑप्शन पे आएगा और इसे इनेबल कीजिएगा तो आपको साइड में एक बॉल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको काफी सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बैक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, रिसेंट टैब है, होम है, और अगर आप चाहें तो इसके टास्क को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट शॉर्टकट का ऑप्शन है, इस पर आएगा और यहाँ से आप जो है टास्क को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर होम स्क्रीन के बदले वाईफाई को लगा सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है वाईफाई आ चुका है, और अगर आपको जो है कुछ इस तरीके से टैप करके क्लिक नहीं करना है तो आप यहाँ पर जो है इसे स्वाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है परफेक्ट ड्रैग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसपे जो है आप स्वाइप करके जो है टास्क को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने वाईफाई को ऑन किया है, जो है स्वाइप करके बैक किया है, जो है स्वाइप करके, तो ये सारे ऑप्शन जो आपको स्वाइप करके भी मिल जाता है। साथ साथ आपको यहाँ पर हाइड ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मिलता है, इस पर आएगा तो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर आपको ये बॉल नहीं चाहिए तो आप उस एप्लीकेशन को एनेबल कर दीजिएगा, जिससे उस एप्लीकेशन को ओपन करते ही ये बॉल जो है हाइड हो जाएगा, आपका ये बॉल जो है नहीं दिखेगा।
तो ये भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है मूव फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया, आप जो है बॉल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगर मूव फुल स्क्रीन जो है आपका एनेबल रहा तो कुछ इस तरीके से आप मूव कर पाएगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आप मूव नहीं कर पाएगा। 3 सेकंड हाइड का ऑप्शन है, अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो ये जो है अनहाइड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आपके स्क्रीन में दिखाई देता है जो कि काफी वेयर्ड लगता है। तो आप इसे जो हाइड करके रखिएगा जिससे आपके स्क्रीन में ना शो हो। यहाँ पर शो ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपके लॉक स्क्रीन में भी शो होगा। और अगर कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो होम के बदले वाईफाई को लगा दिया है, तो रीस्टोर डिफॉल्ट करते ही यहाँ पर जो है होम दोबारा से आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप जो यहाँ पर रीस्टोर डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको बटन जैसे शॉर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि डबल प्रेस द पावर बटन, लॉन्ग प्रेस द होम बटन, लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, पावर प्लस होम, पावर प्लस मेनू, पावर प्लस बैक। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके जो है कैमरा को जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। तो आप जिनको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 फिंगर डाउन स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, तो ये बेसिकली जो है काफी बढ़िया है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन दिया गया, अगर आप जो है होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टर्न ऑफ स्क्रीन जो कि मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पर जो लॉन्ग प्रेस बैक बटन को सिलेक्ट करके रखता हूँ, मैं बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरा फोन टर्न ऑफ हो जाता है, मुझे जो बार बार पावर बटन प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये मुझे जो है काफी अच्छा फीचर लगा। यहाँ पर जो है टर्न ऑन टॉर्च का ऑप्शन दिया गया है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें जो आप एनेबल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस मेनू ऑन द लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन एनेबल रहता है, तो लॉक स्क्रीन में जो आप मेनू को प्रेस करके रखिएगा ज्यादा देर तक तो आपका टॉर्च जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है क्लोज करंट ऐप का ऑप्शन मिलता है, आप जो किसी भी टास्क को लगा सकते हैं करंट ऐप को क्लोज करने के लिए। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, आप जो जल्दी से स्प्लिट स्क्रीन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। शो मेनू का ऑप्शन दिया गया है, शो मेनू बेसिकली जो है लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे जो है यहाँ पर मेनू शो हो जाता है। और यहाँ पर जो है मेनू का ऑप्शन दिया गया है, जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शो रीसेंट टैप ट्राई, तो यहाँ पर जो है आपका रीसेंट टैप करते ही मेनू शो हो जाता है। तो ये सारे जो है आपको बटन एंड शॉर्टकट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया आपको फीचर दिया गया है। नोटिफिकेशन एलईडी देखने को मिलता है, जहां पर आपका नोटिफिकेशन एलईडी दिया गया है, और आप यहाँ से जो है उसे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वन एंड मोड का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपने फोन को वन एंड मोड में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वन एंड मोड को एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप जो अपने फोन को वन एंड में ले सकते हैं। 4.5 इंच, 4 इंच, 3.5 इंच का ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेबिलिटी के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको गेम स्पीड बूस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो इसे इनेबल करके आप जो गेम को खेलिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी कोई गेम नहीं है, तो जैसे आपका गेम रहता है तो इससे जो है आपके गेम को काफी इनहेंस हो जाता है, आपका गेम जो है काफी स्मूथली प्ले होगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ आपके यहाँ पर डिस्प्ले साइज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपने डिस्प्ले साइज को यहाँ से जो एडजस्ट कर सकते हैं, कितना लार्ज रख रहे हैं और कितना जो है आपको कम करना है। तो ये सारे जो है आपको डिस्प्ले साइज के ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं, डिफॉल्ट लार्ज वगैरह, आप जो है डिस्प्ले साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 14, 15 और 16 नंबर ऑप्शन की बात करें तो इन तीनों ऑप्शन में कुछ खास फीचर नहीं है। सबसे पहले जो है मी अकाउंट पे आकर आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया गया, या फिर आपका अकाउंट है तो नंबर और रजिस्टर वगैरह देकर आप यहां पर जो है मी अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। यहां पर जो सेंक का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपको वाईफाई ऑनली का ऑप्शन मिल जाता है, मी क्लाउड का ऑप्शन मिल जाता है, गूगल अकाउंट वगैरह जो है ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जो सिस्टम ऐप है, सिस्टम ऐप पे आने के बाद आप किसी भी सिस्टम ऐप के सेटिंग्स को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कैमरा का सेटिंग्स है, अगर आपको कैमरा का सेटिंग्स को जाना है तो कैमरा के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कैमरा का सेटिंग्स जो ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं कैलेंडर के ऑप्शन पे आता हूँ तो कैलेंडर का जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाता है। मैसेज का ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ पर मैसेज का जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाता है। तो बेसिकली सिस्टम ऐप के सेटिंग्स को आप सिस्टम ऐप में आकर जो है चेक कर सकते हैं। 17 नंबर ऑप्शन की बात करें वह इंस्टॉल ऐप, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन वगैरह आपने जो है अपने फोन में इंस्टॉल करके रखे होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर शो जाएंगे। आपको अगर उन एप्लीकेशन का क्लियर डेटा फिर क्लियर कैसे करना है, एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर डेटा का, आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लियर ऑल डेटा और क्लियर कैसे का। तो आप जो है क्लियर ऑल डेटा कर सकते हैं या फिर क्लियर कैसे वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर आकर, जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। 18 नंबर ऑप्शन की बात करें वो है डुअल ऐप का, अगर आप इस फोन में जो है डुअल ऐप को एनेबल करना चाहते हैं तो आपको डुअल ऐप पे आना है। आने के बाद आप यहां पर जो है डुअल ऐप को एनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे फेसबुक का डुअल ऐप करना है तो मैं सिंपली फेसबुक को एनेबल करूंगा। यहां पर जो है फेसबुक का डुअल ऐप जो है क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बस यहां पर टर्न ऑन करना है और यहां पर आपका फेसबुक का जो है दो दो अकाउंट ओपन हो गया, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो है मेरा पहला वाला है, ये दूसरे वाला है। तो यहाँ पर आकर आप बेसिकली जो है डुअल ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है।
साथ साथ सेटिंग्स पे आएगा, तो यहाँ पर आप जो है कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं डुअल ऐप का। 19 नंबर ऑप्शन की बात करें वो है परमिशन। ये जो है कोई खास ऑप्शन नहीं है या फिर कोई खास फीचर नहीं है, क्योंकि परमिशन जो है ऑटोमेटिकली सारे एप्लीकेशन ले लेते हैं। अगर नहीं लेता है तो आपको अदर परमिशन पेन है और उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके आपको उसे परमिशन दे देना है। और अगर आप किसी भी पेन ड्राइव से एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि आपके पेन ड्राइव में कोई भी एपीके फाइल है आपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉल बाय यूएसबी का ऑप्शन है। यहाँ पर रहेगा पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद और आप एप्लीकेशन को देख पाएगा और यहाँ से डायरेक्टली जो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। तो ये सारे फीचर जो आपको परमिशन के ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। 20 नंबर जो ऑप्शन है वह ऐप लॉक का, और ये काफी कमाल का ऑप्शन भी और फीचर भी है, क्योंकि यहाँ पर आप एप्लीकेशन वगैरह को लॉक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो पासवर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है साइन इन करने को बोलेगा, तो यहाँ पर मेरे पास नहीं है तो नॉट नाउ करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट को जो है ऐड करने को बोलेगा, तो एक बार आप फिंगरप्रिंट को जो है टच कर लीजिएगा और आपका फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। अब जो है कोई भी एप्लीकेशन वगैरह जो है आप ओपन करते हैं जिसे आपने लॉक करके रखा होगा, आपको फिंगरप्रिंट देना है या फिर आपको जो है अपना पैटर्न देना है। तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए गैलरी ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो आप इस फोन में जो है ऐप लॉक को एनेबल कर सकते हैं, जो कि काफी काफी बढ़िया फीचर है। और अगर आपको ऐप लॉक के पासवर्ड वगैरह को चेंज करना है तो आपको ऐप लॉक पे आना पड़ेगा। उसके बाद आपके यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर जो पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, पिन देना चाहते हैं पिन दे सकते हैं, पासवर्ड देना चाहते हैं पासवर्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर आप स्प्लिट स्क्रीन को एनेबल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उन एप्लीकेशन को जो ओपन कर लेना है जिसे भी आप स्प्लिट स्क्रीन में लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको रिसेंट टैब को टैप करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रिसेंट टैब का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो स्क्वायर दिया गया, आपको इस पर टैप करना है और आपका यहाँ पर जो है स्प्लिट स्क्रीन एनेबल हो जाएगा। अब जो है आप दूसरे एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिएगा और देख पा रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन जो है एनेबल हो चुका है। अब आप यहाँ पर जो है किसी भी एप्लीकेशन को जो है बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्विच करना है तो डबल टैप कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है स्विच हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। एग्जिट होने के लिए आपको जो है नीचे की तरफ पूरा डाउन स्वाइप कर देना है या फिर ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना है, आप जो है एग्जिट हो जाएगा। साथ साथ अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को रिसेंट टैब पे लॉक करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको जो है उस एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पर आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो ये जो है लॉक हो जाएगा आपके रिसेंट टैब में। अब मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो गैलरी है वो जो है लॉक रहेगा, गैलरी जो है यहाँ से हटेगा नहीं। अगर अनलॉक करना है दोबारा से आइएगा और यहाँ पर अनलॉक कर लीजिएगा और डायरेक्टली जो है आप गैलरी के सेटिंग्स पे जा सकते हैं। रिसेंट टैब से आपको जो है गैलरी को सिलेक्ट एंड होल्ड करना है और यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है क्लियर डेटा क्लियर कैसे डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको रिसेंट टैब में देखने को मिलते हैं MIUI 10 अपडेट आने के बाद, जो कि काफी कूल फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फोन में जो आपको काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको अलग से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जो है सिक्योरिटी में आएगा, तो यहाँ पर आप जो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने फोन को, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्कैन ले रहा है, ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जो क्लियर कर सकते हैं, सिक्योरिटी स्कैन वगैरह कर सकते हैं, बैटरी वगैरह चेक कर सकते हैं, डीप क्लीन कर सकते हैं, सेकंड स्पेस, टेस्ट नेटवर्क, ऐप, डुअल ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारे आपको सिक्योरिटी के जो है एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। साथ साथ आपको यहाँ पर टूल्स का एक फोल्डर देखने को मिलता है, जहां पर आपको काफी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है आप क्लिक कीजिएगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जाता है। कन्वर्टर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको करेंसी कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सब कुछ जो यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन है। आपको इसके लिए अलग से कैलकुलेटर वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। FM रेडियो दिया गया है, रिकॉर्डर दिया गया, आप जो है साउंड वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया गया, आप यहाँ पर जो है क्लिक करके स्क्रीन वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने जो स्क्रीन को रिकॉर्ड किया हुआ है। फीडबैक दिया गया है, स्कैनर दिया गया है जिसे QR कोड वगैरह को स्कैन कर सकते हैं। कंपस दिया गया है, यहाँ पर आपको कंपस भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर जाते हैं, घूम जाते हैं, तो कंपस का भी जो है यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर आपको काफी बढ़िया फीचर जो है प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फोन में जो आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप जो है अपने घर के किसी भी अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आयर की मदद से चल रहा है। आपको सिंपली आना पड़ेगा MI रिमोट पे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड रिमोट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है अपने अपलाइन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टीवी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टीवी के कंपनी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है टर्न ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले टर्न ऑफ कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका टीवी रिस्पॉन्स किया कि नहीं यहाँ पर जो आपसे पूछेगा। अगर नहीं करता है
तो यहाँ पर आपको जो है 10 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक एक करके मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हैं 10 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 10 ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऑफ करना पड़ेगा अपनी टीवी को। जैसे आपका टीवी रिस्पॉन्स करेगा तो आपको यहाँ पर जो है रिमोट दे दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिमोट जो है ऐड हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो आपका रिमोट ऐड हो जाएगा, आप जब भी जो है टीवी को कंट्रोल करना चाहेंगे अपने फोन से तो जस्ट वहां पर क्लिक कीजिए और आप अपने फोन से जो है टीवी को कंट्रोल कर पाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर आप इसके रिसेंट टैब को नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो है मिसिंग देखने को मिलेगा। तो इसे कैसे ऐड करना है, आपको एडिट का ऑप्शन पे आना है और आपको यहाँ पर जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हॉटस्पॉट है, ये मुझे काफी ज्यादा लगता है तो मैं जो है इसे ऊपर ले सकता हूँ, और मुझे जो जो चीज अच्छा लगता है, यानी कि जो जो चीज मुझे ज्यादा जो है लगता है, तो मैं जो है उसे कुछ इस तरीके से ऊपर ले सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पर डन कर सकता हूँ। डन करने के बाद ये जो है डन हो जाएगा, और अगर कोई गलती हो जाता है तो यहाँ पर रीसेट का भी ऑप्शन है, आप जो है रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी को Redmi Note 6 Pro का फीचर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ Technicals के साथ।